निगाह एक चुंटी पर पड़ी जो गेहूं का एक दाना लेकर नहर की तरफ जा रही थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नहर के किनारे बैठे हुए थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसको बहुत गौर से देखने लगे। जब चुंटी पानी के करीब पहुंची तो अचानक एक मेंढक अपना सर पानी से निकाला और अपना मुंह खोला तो ये चुंटी अपने दाने के साथ इसके मुंह में चली गई। मेंढक पानी में दाखिल हो गया और पानी में बहुत देर तक रहा। सुलेमान अलैहिस्सलाम इसको बहुत गौर से देखते रहे। ज़रा ही देर में मेंढक पानी से निकला और अपना मुंह खोला तो चुंटी बाहर निकली, अलबत्ता इसके साथ दाना न था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसको बुलाकर मालूम किया क्या माजरा था और वो कहाँ गई। उसने बताया कि अल्लाह के नबी, आप जो नहर की तह में एक बड़ा खोखला पत्थर देख रहे हैं ना, इसके अंदर बहुत से अंधे कीड़े मकोड़े, अल्लाह ताला ने इनको वहाँ पर पैदा किया है। वो वहाँ से रोज़ी तलाश करने के लिए नहीं निकल सकते। अल्लाह ताला ने मुझे इनकी रोज़ी का वकील बनाया है। मैं इनकी रोज़ी को उठा कर ले जाती हूँ और अल्लाह ने इस मेंढक को मेरे लिए मुसख़र किया है ताकि वो मुझे ले जाए और इसके मुंह में होने की वजह से पानी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाता और अपना मुंह बंद पत्थर के सुराख के सामने खोल देता है। मैं इसमें दाखिल हो जाती हूँ। जब मैं इसकी रोज़ी इस तक पहुंचाकर पत्थर के सुराख से इसके मुंह तक आती हूँ तो मेंढक मुझे मुंह से बाहर निकाल देता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तूने इन कीड़ों की किसी तस्बीह को सुना। चुंटी ने बताया, हाँ, वो सब कहते हैं, ऐ वो ज़ात जो मुझे इस गहरे पानी के अंदर भी नहीं भूलता। सुबहान अल्लाह। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सौदाकल्लाह।